नमस्कारम। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने टीबी के लिए आयुर्वेदिक इलाज बताया, जो कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, फिर कुछ सवाल पैदा हुए। उन सवालों को भी मैं आज लूँगा और साथ में एक आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा टीबी के लिए बताऊँगा, जो कि उस इलाज के साथ भी चल सकता है। और यदि वो इलाज नहीं चल रहा, मान लो किसी का एलोपैथिक इलाज चल रहा है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा तो काम करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ ये नुस्खा सस्ता है, घर से है, और गरीब आदमी भी उसको भी राहत मिलेगी। तो क्या है ये नुस्खा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में जहाँ मैंने आयुर्वेदिक दवाइयों की बात की थी टीबी के लिए, उसमें बांस के पत्तियों का पाउडर भी डालना था। तो वो बांस की पत्तियों का पाउडर कई लोग पूछ रहे थे कितनी मात्रा में डालना, शायद मैं भी भूल गया बताना, क्योंकि उस समय मैं भी ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल करते करते ही मैंने वीडियो बनाया। उसकी मात्रा है 20 ग्राम पत्ते लेकर के, धो करके, पोंछ करके, एक दिन धूप में सुखा के, फिर धीरे धीरे छाया में सुखा के, जब पाउडर कर लिया, फिर पाउडर को कपड़े से छानना। अब वो छना हुआ पाउडर जो नीचे आया है उसको 20 ग्राम लेना है। तो ये उसका जवाब हो गया। फिर इसके अलावा पूछ रहे थे कि सारे तरह के टीबी के लिए वो दवाई ठीक रहेगी, बिल्कुल। हालांकि टीबी की गांठों के लिए कुछ और ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, गांठों को जलाने के लिए, लेकिन बाकियों के लिए वो सारा ट्रीटमेंट काफ़ी है। तो ये था। अब मैं बात कर लेता हूँ टीबी को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए उसके लिए, जो मैं नुस्खा बता रहा था घरेलू, वो नुस्खा क्या है, सब कर सकते हैं जिनको आसपास टीबी वालों के पास रहना है और डर लगता है कि मेरे को भी कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उनके लिए भी अच्छा है। आपने लेना है एक गिलास 200-250 ml बकरी का दूध, और नारियल की गिरी आती है ताजी, उसी में एक नारियल की गिरी आती सूखी हुई, ड्राई, कई इलाकों में उसको कह देते हैं खोपा या कुछ ऐसा करके, उसको आपने पाउडर करके, नारियल की गिरी, सूखी हुई गिरी को पाउडर करके 2 चम्मच लेना है एक गिलास बकरी के दूध के साथ। और लहसुन की कलियां, देसी लहसुन मिल जाए अच्छा है, उसको छील लो, उसकी कलियां निकाल लो, 2-3 कलियां बहुत है। अगर कफ ज़्यादा है तो 3 कलियां भी चल जाएंगी, अगर कफ नहीं है, खून ब्लीडिंग आदि है, तो फिर 1 आधी कली भी बहुत है। सर्दी के दिन है तो 2 कलियां भी चल जाएंगी। तो इस तरह से तीनों चीज़ों को कूट लो, मिक्स कर लो आपस में, थोड़ा सा पानी मिला लो और उबलने के लिए रखो, मिट्टी के बर्तन में रख दो, अच्छी बात है। कली किया हुआ पीतल का बर्तन चल जाएगा, लोहे का बर्तन चल जाएगा, लेकिन स्टील एल्युमिनियम अवॉइड करो। उबालो उसको अच्छी तरह से, जब पानी सूख जाए आपको लगे कि हाँ ये उबल गया है सारा, फिर उसको नीचे उतार लो, हल्का गुनगुना रह जाने पर उसको धीरे धीरे पियो। हालांकि कहा जाता है सुबह शाम पीना चाहिए, लेकिन इतना तभी पिए यदि आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे टीबी का, तब तो इसी से फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन साथ में एनीमा, कटी स्नान, वो जो मैंने बताए थे वो घरेलू नुस्खे, वो करना ही है। और डाइट के बारे में भी मैं बताऊंगा बहुत जल्द कि फुल डे की डाइट क्या होनी चाहिए एक टीबी पेशेंट की, लेकिन ये नुस्खा तो शुरू कर ही लें एटलीस्ट अपनी डाइट में, जैसी मर्जी डाइट है लेकिन उसमें डाल लें इसको। ये दूध 2 टाइम, मैं नहीं कहता कि 2 टाइम पियो, 1 टाइम भी अच्छा है, पचना चाहिए। हमारा पचाना मायने रखता है, ना कि पी करके अंदर बाद में गर्मी करे या कुछ ऐसा, हालांकि गर्मी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि एक्सेस टू एवरीथिंग इज़ बैड। स्टार्टिंग में पचना शुरू हो जाए फिर 2 टाइम भी ले सकते हैं। ये एक प्रयोग हो गया दूध वाला, ये रेगुलर कर सकते हैं, धीरे धीरे टीबी के कीटाणु शरीर से ख़त्म हो जाते हैं। और कई बार शरीर के ऐसी जगहों पे भी टीबी के कीटाणु होते हैं, आप सोचते हैं क्या करें, इसके लिए मेडिसिन कैसे दें, तो फिर ये बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पुष्टि देता है, अपना शरीर ही खुद ही लड़ लेता है उनसे, फिर टीबी के बैक्टीरिया से, कीटाणुओं से। अब बात करते हैं, इसमें हम एक और ऐसी कोई लाइफस्टाइल की चीज़ ऐड कर सकते हैं क्या, जिससे टीबी को मदद मिल जाए, तो वो भी है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। बकरी नहीं, बकरा, बकरे के मूत्र और बकरे की ही जो विष्ठा होती है, मल होता है, इसको ले आओ ताज़ा, इकट्ठा करके, और इसी से पेशेंट को नहलाया जाए मल करके। हालांकि बहुत गंदा लगता है, मैं खुद जानता हूँ, लेकिन इस चीज़ को आप गलत नज़रिए में ना लीजिएगा। ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे शायद जिन लोगों को वाकई में दर्द है, तकलीफ़ है, तो इसलिए इसको गलत अर्थों में बना उड़ाना या ऐसी बात करना जो आपके लिए अच्छा नहीं है।
गलत चीज़ है। आप जो चीज़ नहीं समझ है उसके बारे में छोड़ दो उसको, पर गलत कमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन ये इससे स्नान अगर कराया जाए हफ्ते में, रोज़ नहीं कराना तो हफ्ते में 2-4 बार ही करा दें, नहाने के वक्त साथ में लगा लें। इसका कांटेक्ट जब बॉडी में आएगा बकरे की मल और मूत्र का, उससे क्या होगा कि ये बैक्टीरिया अंदर जो ग्रो कर रहे हैं धीरे 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 वो मर जाते हैं। इतना इसका इम्पैक्ट है, ओरा है। ये एक प्रयोग हो गया। अब अगली वीडियो में मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगा कि टीबी की क्या डाइट होनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक, और फिर उसके बाद आप अपनी रिकवरी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पूरे हक के साथ आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इतने दिन हमने, इतने महीने हमने ये कर लिया है, अब हमारे को ये फ़र्क है, ये कमी रह गई है, इसका बताएं। या फिर इसके अलावा भी कोई चीज़, किसी को मेडिसिन नहीं अवेलेबल हो रही है तो भी बताएं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जहाँ पे आपको औषधियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन अभी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन का कोई इस तरह की फैसिलिटी अभी शुरू नहीं हुई है। तो आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।